बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी साहब जो कि भाई अमेरिका के सारी दौरे बातों पे का थे, लोगों उनको को इंतजार है। कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान अमेरिका के दौरे पर उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने लोगों क्या कहा ने था, उन्हीं की मेरी जबानी सुनते जात हैं। पे कीचड़ उछाले हुए, इंशाल्लाह भरपूर, जिसे कहते हैं ना भरपूर जवाब देना है वो। और हमेशा चुप रहा हूं, लेकिन अब बोलूंगा और अच्छा खासा बोलूंगा। जो नहीं बोलना चाहता था वो भी अब बोलूंगा। कभी मैंने वो काम किए नहीं, ना आप लोगों ने सुने होंगे ना देखे होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया बोलने पे कि कब तक चुप रहूं, और वो कब तक बोलते रहे, मेरी जात पे कीचड़ उछालते रहे। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन जात पे उंगली बर्दाश्त नहीं है। वो चीज़ें जो मकसद, मैं किसी की जात पे कीचड़ नहीं उछालता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और अभी मैं कुछ कहना भी नहीं चाह रहा, क्या कह रहा हूँ ये तभी बताऊँगा, किस प्लेटफॉर्म से किस तरह क्या, वो सब आके बताऊँगा, आके दिखाऊँगा। लेकिन अच्छा खासा दिखाऊँगा और अच्छा खासा बताऊँगा। अगले तो सिर्फ हवा में तीर मारते हैं ना, मैं विद प्रूफ दिखाऊँगा और बताऊँगा कि मेरी ज़ात पे कीचड़ उछालने वालों का अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल तो अल्लाह जाने क्या था, क्या है और क्या आगे नज़र आ रहा है। कहते हैं कि जिसको अल्लाह इज्जत दे ना, उसकी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो अल्लाह ने इज्जत दी है, नेकी के काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो मुकाम, जो मंजिल, जो इज्जत अल्लाह ने मुझे दी है, मैंने नहीं देखा किसी को इस तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा, भरपूर जवाब दूंगा, और अल्लाह से भी कहा हुआ है कि वो भी जवाब देगा इंशाल्लाह ताला।